गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरह की एनर्जी होती है जो कि स्टैटिक और द मूविंग चार्ज, जो कि मूविंग चार्ज से जुड़ी होती है. अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स में बात करें कि द बेसिस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इज चार्ज. जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना हैं वो चार्ज से जुड़े होते हैं. एंड द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स द इलेक्ट्रिक करेंट. ओके, नाउ सो व्हाट इज द चार्ज. चार्ज द प्रॉपर्टी ऑन विच सम इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज. ओके, एज यू नो द एटम्स इज न्यूट्रल. एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या लूज होते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ओके, और यही इलेक्ट्रिक और ये जो चार्ज होते हैं, द प्रॉपर्टी इज डेवलप इन द सब्सटेंस ड्यू टू द चार्ज अटेंड बाय फ्रिक्शन. ओके, सो द चार्ज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं. एंड द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कूलम इन SI यूनिट इज कूलम. इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स एज यू नो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं. ये जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, जबकि जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अगर हम किसी इफ़ वी रब अ ग्लास रॉड, अगर हम किसी ग्लास रॉड को इज रब विद द हेल्प ऑफ सिल्क, अगर हम सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है. मीन्स उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं. बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय क्या होता है, सिल्क ऑल्सो बिकम इक्वल नेगेटिव चार्ज और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निकल करके ग्लास रॉड से सिल्क में चले जाते हैं, जिसके कारण वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है. दिस हैपन बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रॉड मूव टू द सिल्क. सो द इलेक्ट्रॉन द ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव एंड द सिल्क बिकम निगेटिव. ओके, ओके, ऑन एन इलेक्ट्रॉन देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज. अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज होता है और उसको स्मॉल ई से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को. और अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा प्रोटॉन होता है. तुमको पता होना चाहिए कि एज यू नो एटम इज़ न्यूट्रल, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं और उसके सेंटर में जो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर भी 1.6 × 10⁻¹⁹ का पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, और 1.6 × 10⁻¹⁹ का निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर. ओके, और इलेक्ट्रॉन उसमें अपने ऑर्बिट में एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है. ओके, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर आर एन, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें और उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, सो द चार्ज इज इक्वल टू एन ई. एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉन. ओके, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. द सब्सटेंस विच अलाउ द सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज ईजली आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो सब्सटेंस जो होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं. जैसे तुम्हारे मेटल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं मेटल्स में, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और अगर हम लोग वेयर एज द वाटर सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड द सॉल्ट्स एंड द अर्थ एंड द ह्यूमन बॉडीज आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
ओके एंड द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउड विच डू नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिक रजिस्टर. रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनिक, सल्फर, ड्राई वुड, चाइना क्ले, माइका आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके एक्सप्लेन ऑफ द कंडक्टर ऑफ द और द इंसुलेटर. कैसे ये इंसुलेटर होते हैं या ये कैसे ये कंडक्टर होते हैं. हाँ, when the potential difference is applied on the aid of the substance having free electrons due to the electric field, free electrons start moving in the opposite direction of electric field. हमेशा electrons जो होते हैं वो electric field की opposite direction में flow करते हैं. और free electrons क्या होते हैं, जो outer orbits में जो electrons होते हैं जो कि freely move करते हैं are known as free electrons. तो इनके ऊपर ये जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजली मूव करते हैं और वो उनको उनको गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और इसके अपोजिट इन द सब्सटेंस आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम रिजिडली बॉन्ड. जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंधे हुए होते हैं विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ बंधे होते हैं. एंड दे कुड नॉट फ्री फ्रॉम द करंट फ्लो, और वो करंट फ्लो के साथ नहीं बहते हैं. सो दिस टाइप ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके कुछ सेमीकंडक्टर भी होते हैं जो कुछ कुछ कंडीशंस में वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं या गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और वो कुछ कंडक्टर में वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं. इन द सब सब्सटेंस देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता. बट इन द स्पेशल कंडीशन, लेकिन जब कुछ स्पेशल कंडीशन आती है तो वो जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रोड्यूस होने लगती है. एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज नोन एज सेमी कंडक्टर. फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा आर सेमी कंडक्टर. ओके सिंस चार्ज ऑन द कंडक्टर इज पॉजिटिव देयरफॉर इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन लूज. ओके नाउ देयर आर द न्यूमेरिकल, सम न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कूलम्ब ऑफ चार्ज. कूलम्ब ऑफ चार्ज में ये पूछ रहे हैं, तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या, डिफाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये एन पूछ रहे हैं. क्यू इजकल टू एन ई का फॉर्मूला था पीछे जो जो अभी पढ़ाया, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1.6 इंटू 10^19 कूलम. और क्यू इन्होंने दे दिया है वन कूलम चार्ज दे दिया है, तो क्यू इजकल टू एन ई होता है. तो सो द एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और कूलम वन है, जबकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, चार्ज उसका कितना है 1.6 × 10^-19. और जब इसको मैंने डिराइव किया, इसको डिवाइड किया, सो द आंसर इज 6.25 × 10^18. एंड द वन अदर एग्जांपल, देर आर द फाइव मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कंडक्टर्स इन द नॉर्मल स्टेट. वॉट विल बी द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द दिस कंडक्टर. इसमें भी देखो चार्ज दिया है 1.6 × 10^-19 कूलम दिया हुआ है, और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं फाइव इलेक्ट्रॉन्स. ओके देर आर फाइव इलेक्ट्रॉन्स या देर आर फाइव मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर. सो द वैल्यू इज क्यू इज इक्वल टू एनी. दिस इज द फार्मूला ऑफ चार्ज. हाँ, ये फार्मूला चार्ज का फार्मूला है. सो क्यू इज इक्वल टू 5 × 1.6 × 10^-19 एंड द आंसर इज 8 × 10^-19 कूलम. ओके देयर इज वन मोर एग्जांपल. ऑन अ कंडक्टर देयर आर 6.4 × 10^-19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है एक कंडक्टर में. तो इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं. मीन्स यहाँ पर ये एन पूछ रहे हैं, सो द एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई होता है. और तो इसको डिवाइड करेंगे तो फोर इलेक्ट्रॉन्स आएगा. ओके एंड नाउ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट. सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लो की बात कर रहे थे, चार्ज की कर रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे. नाउ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो फ्लो हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से डिनोट करते हैं.
अगर हम लोग का दो ऑब्जेक्ट रख दें, इफ़ द टू ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एट द डिफरेंट पोटेंशियल, अगर अलग अलग पोटेंशियल के दो ऑब्जेक्ट्स रख दे रहे हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर वायर, अगर हम लोग उसको किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देते हैं, सो द पॉजिटिव चार्ज स्टार्टेड फ्लो फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हाई पोटेंशियल टू द बॉडी ऑफ द लो पोटेंशियल, मीन्स ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक तब तक चलते हैं जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस जो होते पोटेंशियल जो होते हैं वो सेम नहीं हो जाते, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट. सो द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करेंट. And the formula is I is equal to Q upon T. I means current, electric current. Q means charge T means time. How many times? So the electric charge is equal to electric current into time. Okay. And the unit of the electric current in the SI unit, the unit of the electric current is ampere. So what is the definition of the ampere? If in a circuit, अगर किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड तक किसी में 1 कूलम चार्ज फ्लो किया जाता है, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द करंट इज़ 1 एम्पियर, तो उसमें बहने वाली जो करंट है वो 1 एम्पियर होगी. आई रिपीट, इफ इन अ सर्किट 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट इज़ 1 एम्पियर. ओके.